लौट आए हैं मिस्टर बजाज। जी हाँ, लौट कर आए हैं और आज तो बातें भी करने वाले हैं सास बहू और साजिश में। मिस्टर बजाज याद है ना आपको? अरे वही रौनित रॉय। आज रौनित रॉय से होगी मुलाकात, क्योंकि कसौटी जिंदगी का पुनः प्रसारण जो शुरू हो चुका है। इस शो पर मेरा सफर बहुत यादगार रहा, आपने भी हर कसौटी में हमारा साथ दिया। चलिए एक बार फिर उन्हीं यादों को जीते हैं। देखिए एक बार फिर कसौटी जिंदगी के। जो कभी कहा करते थे चाहत के सफर में दिलों के हौसले देखो, वही हौसला और वही जज्बा लेकर आ गए हैं। जरा देखिए कौन उनकी उम्र और बालों की सफेदी पर न जाना, उनका दिल है पहले भी जवां था और आज भी जवां है। आ रहा हूँ मैं एक बार फिर उस सफर को जीने, जिस सफर में मुझे प्रेरणा से मिलाया था और हमको आपसे। अब तक तो मिस्टर बजाज को देखकर आप ये जान गए होंगे कि आज यहाँ पर मिस्टर बजाज यानी कि रौनित रॉय से एक खास मुलाकात होने वाली है। अब स्टार प्लस पर बालाजी का आइकॉनिक शो कसौटी जिंदगी की दोबारा शुरू हुआ है। तो भाई ऐसे में कौन है कसौटी जिंदगी है इस शो का इस सबसे बड़ा हीरो? वो कोई और नहीं मिस्टर बजाज है, जो प्रेरणा और अनुराग बासु के लव स्टोरी के बीच में आ गए थे। और फिर एक वक्त ऐसा आ गया था कि प्रेरणा ने अपनी जोड़ी मिस्टर बजाज के साथ जमा ली थी। वो किरदार कुछ ऐसा था घर कर गया है लोगों के दिलों में, और मुझे नहीं लगता कि एक अरसे तक वो भुलाया जाएगा। खुशी भी है इस बात की कि दोबारा आ रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा, जो नया जनरेशन है जिन्होंने देखा नहीं है, जो उस टाइम बहुत छोटे थे, तो वो अब 25 साल के हो गए, 24-25 साल के हो गए, तो एक नया ऑडियंस है तो दिखेगा। आई होप कि उन्हें भी उतना ही पसंद आए जितना पहली बार लोगों को पसंद आया था। हे पुराने पल दोबारा तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन यादें ना दिलों में तरोताजा रहती हैं हमेशा। उसी याद के सहारे आज यहाँ पर मौका मिल रहा है हमें एक बार फिर से मिस्टर बजाज से रूबरू होने का। नहीं क्या है, वो तो इरा, वो इरा था, वो चला गया, अभी नया इरा शुरू हुआ है। अभी ये इरा खत्म होगा, एक और इरा खेलूंगा मैं ऐसे। तो कल ही मैंने पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे कि अभी तो बहुत सफ़र बाकी है, अभी तो बहुत झंडे गाड़ने हैं। तो ये मोटिवेशन, क्योंकि मेरी लाइफ में और कुछ है नहीं, मैं पार्टी नहीं करता, मैं शराब नहीं पीता, मैं बाहर नहीं जाता, मैं ज़्यादा से ज़्यादा जाता हूँ तो वाइफ के साथ या बच्चों के साथ खाना खाने जाता हूँ बाहर। तो दो ही चीज़ें हैं मेरी ज़िंदगी में, एक फैमिली है और मेरा काम है, और बीच में जिम डालता हूँ, बस यही है और कुछ है नहीं। तो हर ये तीनों चीज़ों को एकदम इक्वल पैशन से मैं करता हूँ। 50 के हो गए हैं रौनित रॉय, लेकिन फिर भी उन्हें देखकर कौन कहेगा वो इतने फिट रहते हैं और अपने काम को लेकर आज भी एकदम डिसिप्लिन में रहते हैं और काम की हमेशा रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो शायद यही वजह है कि वो अपने जिंदगी में हमेशा आगे ही बढ़ते रहे हैं। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।